और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। ये साल का आखिरी हफ्ता चल रहा है। बीते दिन हमने आपको 2021 को विदा करने से पहले इस साल ने आपको जो दुख पहुंचाए हैं उन पर चर्चा की थी, लेकिन आज हम उन खट्टी मीठी यादों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें हम कभी नहीं भुला पाएंगे। इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि जनसंख्या रही। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार ऐसा हुआ है जब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई। किसने सोचा था कि समलैंगिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा, जो कि इस साल में हुआ। 2021 की उपलब्धि में फाल्गुनी नायर को कौन भूल सकता है। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई महिला 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा कीमती यूनिकॉर्न खड़ा कर पाई। अभी तक के भारत के इतिहास में जो नहीं हुआ वो इस साल हुआ। जुलाई अगस्त में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने 7 पदक हासिल किए, जिनमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीतना अकल्पनीय था। भारत के लिए ये किसी जश्न से कम नहीं था। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच देश को राहत अक्टूबर में मिली, जब भारत में 100 करोड़ वैक्सीन के डोज पूरे करके भारत ने इतिहास रच दिया। दुनिया में भारत वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पूरे करने वाला पहला देश बन गया। सिर्फ 9 महीनों में देश ने ये उपलब्धि हासिल की। इसी साल 2021 में 21 साल बाद भारत की बेटी को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला। इतने लंबे इंतजार के बाद और सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद चंडीगढ़ की हरनाज कौर सिंधु देश की तीसरी महिला बनी जिनको ये खिताब मिला। अब का क्लिप बस इतना ही। आपके